नमस्कार, आप देख रहे हैं NMT न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पिछड़ों के साथ दलितों में पैठ बढ़ाने के लिए जमीनी अभियान चलाएगी रमाबाई अंबेडकर मैदान में। गुरुवार को आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी ज्यादा से ज्यादा माताओं बहनों के बीच जाएं और सरकार की नाकामी के बारे में बताएं। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से कहा कि नवरात्र में हम प्रार्थना करते हैं कि सत्ता में बैठे लोग सच बोलने लगे। जिस दिन ये सच बोलने लगे राजनीति के रसातल में पहुंच जाएंगे। आजम खान और दूसरे सफाइयों के उत्पीड़न का मामला उठाते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी नेताओं के घर वाले उठा लिए जाते हैं। वहीं एक IPS 2 साल से फरार है, उसकी पत्नी और परिवार वालों से सरकार कब पूछताछ करेगी। सम्मेलन में अंबिका चौधरी ने राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव पेश किया। इसमें अखिलेश के नेतृत्व की तारीफ करते हुए उनकी सक्रियता को लेकर उठने वाले सवालों पर सफाई भी दी गई। प्रस्ताव में कहा गया है कि अखिलेश 24 घंटे तक गाजीपुर से लखनऊ बिना रुके यात्रा निकालते रहे, जिसके चलते यूपी में हार तय देख सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। अखिलेश के विराट व्यक्तित्व के सामने भाजपा तमाम अनियमितताएं करके भी टिक नहीं सकती। प्रस्ताव में जातीय जनगणना, किसानों की बिजली बिल माफी, सांप्रदायिक राजनीति जैसे मसलों पर भी जोर दिया गया है। सम्मेलन में तंज के तीर भी चले। पुराने समाजवादी नेता रामजीलाल सुमन ने मंच संचालक पर ही सवाल उठा दिए और कहा कि सारा भाषण यही देंगे तो बाकी क्या बोलेंगे। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का भाषण लंबा खिंचने लगा तो राम गोपाल यादव ने इन्हें टोक दिया। बसपा ने स्वामी के पुराने साथी रहे इंद्रजीत सरोज ने कहा कि स्वामी नेता प्रतिपक्ष थे लेकिन मक्खन हमेशा अखिलेश को लगाते थे। क्या आप कितने भोले हैं? सरोज ने कहा कि कसम खाने वालों से सावधान रहना होगा, जमीन पर काम करने वालों पर ध्यान देना होगा। किरणमय नंदा ने कहा कि 2024 में सत्ता की चाबी हमें अपने पास रखनी होगी। अगर हम यूपी में 40 से 45 सीट जीत गए तो हम ही दिल्ली की सत्ता तय करेंगे। हर बूथ पर कम से कम 20 वोट बढ़ाने होंगे। जया बच्चन ने कहा कि किसकी छाती कितने इंच की है ये बात मैं नहीं करूंगी, लेकिन अखिलेश जी आपके कंधे बहुत मजबूत हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी सख्त है, इस बार लड़ाई जमकर हो जिससे हम सत्ता में आए। नेताजी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, उसकी कामना करिए, उनके लिए प्रार्थना करिए। अब किसकी छाती कितने इंच की है इसकी बात मैं नहीं करूंगी, आपके कंधे अध्यक्ष जी बहुत मजबूत है, आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत सख्त है और यही पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत है। आपको शुभकामनाएं, हम सब की तरफ से जो बहुत बुजुर्ग हैं और नौजवान तो आपके साथ हैं ही, और आपसे वादा है और मैं सोचती हूँ कि आज आप सब संकल्प ले लीजिए कि इस बार जब लड़ाई हो तो जम के लड़ाई हो और समाजवादी पार्टी वापस सत्ता में आ जाए।